Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th. Smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. टीवी और मैं हूं आपके साथ अनुपम अंसारी। जर्मनी में नौकरी दिलाने के नाम पर केरल से मेरठ लाकर ठगी के मामले का मेरठ पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया है। पुलिस ने लुधियाना निवासी राजेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर उसके पास से ठगा गया सामान में नकदी बरामद कर ली है। पुलिस के मुताबिक केरल के एक अखबार में विज्ञापन देकर राजेंद्र सिंह ने जर्मनी में नौकरी दिलाने का लोगों को झांसा दिया था। इसके जाल में फंसकर केरल के दो परिवारों को मेरठ आबुलेन स्थित राजमहल होटल में बुलाया गया था। यहाँ खाने में नशीला पदार्थ देकर राजेंद्र ने सभी को बेहोश कर दिया था। राजेंद्र के बारे में यह भी पता चला है कि वह अपराध करने में उससे बचने के तरीके विभिन्न टीवी सीरियल्स से सीखता था। आज मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह साजवान ने मीडिया को यह जानकारी दी। थाना सदर बाजार के अंतर्गत एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें केरल के कुछ लोग थे और उनको नौकरी उनको विदेश भेजने के लिए, जर्मनी भेजने के लिए इंटरव्यू लेने के लिए मेरठ बुलाया गया था और एक होटल में उनको बुकिंग करके रुकवाया गया था, जहां पर जो अभियुक्त है उसके द्वारा उनको नशे की गोलियां खिलाकर उनको बेहोश करके और कुछ उनका जो पैसा था 3.5 लाख रुपए के आसपास कुछ फर्जी खातों में ट्रांसफ़र किया गया था। पुलिस के द्वारा इसमें मुकदमा दर्ज किया गया था और विवेचना की जा रही थी। इस दौरान जो अभियुक्त है, इसका एक ही अभियुक्त है, अभियुक्त राजेंद्र सिंह जो लुधियाना का रहने वाला है, इसको लुधियाना में गिरफ्तार किया गया। वहाँ पे टीम के द्वारा इसको लाया गया है यहाँ पे और इससे और अधिक पूछताछ की जा रही है। इसके द्वारा बताया गया है कि पिछले 6.5 साल से इसके द्वारा लगभग 35 से अधिक घटनाएं उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में की गई हैं और जन सामान्यतः ये दक्षिण भारत के जो लोग होते हैं उनको टारगेट करता था और अखबार में जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी होती है उसके माध्यम से फर्जी सिम से और फर्जी आई कार्ड से बुकिंग करता था और वहाँ पे कोई ऐड देता था जिससे कि लोग झांसे में आते थे और इसके बुलाए हुए स्थान पे, चाहे ये राजस्थान हो, दिल्ली हो, जहाँ भी ये बुलाता था वहाँ पे लोग या तो इंटरव्यू देने के लिए या कोई कागजात देने के लिए आते थे और वहाँ पर ये उनको नशीला पदार्थ खिलाकर या नशे की गोलियाँ देकर उनको बेहोश करता था और उनके जो पैसे थे वो ले लेता था। इसके पास से 27 चेकबुक्स और 3 लैपटॉप, प्रिंटर्स और बहुत सारी चीज़ें बरामद हुई हैं, जिससे कि इसके पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। और ये फर्जी आई कार्ड बनाता था और उन्हीं आई कार्ड्स के आधार पे ये सिम लेता था और उसी से आधार पे ये बैंक खाते खुलवाता था, जिसमें ये पैसे ट्रांजेक्शन करता था। पूरी जो पहचान है, अपनी पूरी पहचान ये छुपाता था। इस अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और इसको रिमांड पर लेके और भी गहनता से पूछताछ की जाएगी। वेलेंटेस, यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटेस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ।